मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियां बीनी हैं? मैंने 15 लकड़ियां बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है, इसने सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियां चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम आपस में प्रतियोगिता क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब, राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बीन रहे थे तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें कम से कम एक बार तो देख कर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिपकर देखा कि एक राक्षस तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है, क्या हमें इसके पास जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस को पत्थर मारे गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा, मैं समुद्र किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसलिए मेरी जाति के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा राक्षस नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर राक्षस के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे, राक्षस से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने तीनों को रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना, सरकार ने जंगल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं, हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बुढ़िया, ज्यादा दिमाग ना चला, एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू मीनू के घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया, फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू मीनू के लिए कुछ सामान उधार ले आया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट नमकीन खाकर गुजारा कर लो, अब पता नहीं हमारे घर खाना कब पकेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला उधार ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई, इस तरह तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चले जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लेना। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं, मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है, इसे गिरवी रख कर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, वड़ा पाव की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है, पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम है। उधर राक्षस जंगल में परेशान हो रहा था,
वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे नाराज तो नहीं हैं? मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन राक्षस ने जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो राक्षस बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास दो और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस लौट आया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं, मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। राक्षस एक पेड़ के ऊपर छिपकर रहता था। जैसे ही राक्षस ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया चाचा, और सुनाओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अधिकारी रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिप कर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। हम लोग मुंबई चले गए थे, दादी और मीनू अभी भी वहीं हैं। वहाँ हम लोगों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा धंधा शुरू किया है? चाउमीन की रेहड़ी लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे पकौड़ा चाउमीन बनाकर खिलाती थी। पकौड़ा चाउमीन? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों ना दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा, साधारण चाउमीन तो बहुत से लोग बेच रहे होंगे, और अगर तुम पकौड़ा चाउमीन बेचोगे तो तुम्हारे ठेले पर बहुत से ग्राहक खींचे चले आएंगे। राक्षस चाचा, इस बार मैं मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक अच्छे राक्षस हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। अंकल, जंगल में एक राक्षस रहता है, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। राक्षस हम सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो राक्षस मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। लगता है राक्षस के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम राक्षस को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने राक्षस को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को राक्षस के साथ देखकर दंग रह गए। राजू राक्षस को मुंबई ले आया और उसने राक्षस को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। अब रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे, वे राक्षस का दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने राक्षस की मदद न की होती तो आज वे राक्षस के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है। छगन एक पकोड़े वाला है। भैया, प्याज के पकोड़े दे दो एक प्लेट। ये लीजिए। भाई, कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े
10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया, छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकौड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकौड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काट कर पकौड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकौड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकौड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकौड़े के शौकीन थे लेकिन अनपढ़। छगन, एक प्लेट पकौड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकौड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकौड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है, अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या, दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे, अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा, और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा, प्याज क्या सोने से कम है? रामगढ़ गांव में सरिता नाम की
एक सब्जी वाली रहती थी। वो घर घर जाकर सब्जियां बेचा करती थी। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। बहन, 1 किलो टमाटर देना। और प्याज कैसे दिए? आज तो प्याज खत्म हो गए, कल लेकर आती हूँ। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। इसी तरह सरिता एक एक कर सबके घर सब्जी बेचने जाती। सब उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। शाम तक सरिता की सारी सब्जी बिक जाती और थकी हारी सरिता सारे पैसे लेकर घर आ जाती। आज तो सब्जी बेचने में दुगना फायदा हुआ है। सब्जी बेचकर मिले मुनाफे ने सरिता का उत्साह बढ़ा दिया। उसने सोचा कि वो मंडी से और भी सब्जी खरीदेगी और अपना धंधा बढ़ाएगी। भैया, ये प्याज तो बहुत महंगा है। सरिता बहन, मंडी में प्याज की बहुत कमी है, इसीलिए प्याज की कीमत 4 गुना हो गई है। व्यापारी की बात सुन सरिता के दिमाग में लालच पैदा हो गया। अगर मंडी के सारे प्याज मैं खरीद दूं, तो सबको मुझसे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। फिर मैं मन चाहे दाम में प्याज बेचकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। भैया, आप एक काम करो, इन सारे पैसों से मुझे प्याज दे दो। प्याज खरीद कर सरिता अपने घर ले गई। वो मन ही मन इन्हें बेचकर रईस बनने के सपने देख रही थी। सोचते सोचते सरिता का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो आसपास के गांव के सारे प्याज भी खरीद लेगी। फिर तो सबको उससे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास और प्याज खरीदने के पैसे नहीं है। सरिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर अलमारी से अपने कीमती सोने के गहने निकाले। इन्हें बेचकर मैं प्याज खरीदूंगी। सरिता अगले दिन मंडी में आई और गहने बेचकर जो पैसे मिले थे उसने उनसे आसपास के गांव की सारी मंडियों के प्याज भी खरीद लिए। अब मेरे अलावा किसी के पास प्याज नहीं है। अब सबको मेरे मन माफिक दामों पर ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। सरिता सारे प्याज घर ले आई और उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन लोगों को परेशान होने देती हूँ, सही समय पर इनकी 10 गुना कीमत वसूलूंगी। अभी यहाँ ताला लगा देती हूँ, कोई मेरे प्याज ना चुरा ले। प्याज की किल्लत से पूरा गांव परेशान हो गया। पूरे गांव में कहीं पर प्याज नहीं मिल रहे हैं। सरिता भी घर घर सब्जी बेचने गई तो उसने लोगों को प्याज के लिए परेशान देखा। सरिता बहन, प्याज है क्या? प्याज ले तो आऊं, लेकिन बहुत महंगा है। हमें महंगे की फिक्र नहीं, बस प्याज चाहिए। लगता है अपने प्याज की कीमत वसूलने का सही वक्त आ गया है। सरिता बहुत खुश होकर अपने घर वापस आई। उसे लगा
कि अब वो बहुत जल्द प्याज बेचकर अमीर बन जाएगी। सरिता ने चाबी निकाली और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें से बहुत बुरी सड़ने की बदबू आने लगी। इतनी बदबू, ये तो प्याज में से आ रही है। ये सारे प्याज तो सड़ गए। सरिता भूल गई कि जिस कमरे में उसने प्याज रखे थे उसमें सीलन और अंधेरा था, हवा आने जाने के लिए एक झरोखा भी नहीं। अंधेरे कमरे में बिना हवा और प्रकाश के सारे प्याज सड़ गए और उनमें बहुत तेज बदबू आने लगी। ये देख सरिता ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, ये सारे प्याज तो सड़ गए। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। मैं अमीर नहीं बन पाऊंगी। लालच में आकर सरिता ने सारी जमा पूंजी और गहने बेचकर प्याज खरीद लिए थे, लेकिन उसी की बेवकूफी से सारे प्याज सड़ गए और मुनाफा होने की जगह उल्टा उसका भारी नुकसान हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले का नुकसान ही होता है, जैसे लालची सब्जी वाली का हुआ। जो इंसान परिश्रम करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सफलता उसी को मिलती है। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3,000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जोग जोग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी।
अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था, वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर बेटा, ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुँचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है। भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बंबू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। घुटने की एक हड्डी टूट गई है जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था, उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिकर मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है, सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा। अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, बस 10 रुपए है, इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी, समझ ले मैंने खा लिए, आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे
सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। छगन एक पकौड़े वाला है। भैया प्याज के पकौड़े दे दो एक प्लेट। ये लीजिए। भाई कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकौड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया, छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकौड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकौड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काट कर पकौड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकौड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकौड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकौड़े के शौकीन थे लेकिन अनपढ़। छगन, एक प्लेट पकौड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकौड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकौड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है, अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या, दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे, अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा, और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि
कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है?